ट्वेंटी क्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को टच कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले नमस्कार शिक्षक साथियों आज हम चर्चा करेंगे विषय तीन इकाई एक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है तो ध्यान से देखिए अंतिम तक देखिए पांच प्रश्न आपके बताएंगे और पांच बहुविकल्पी प्रश्न चर्चा करेंगे तो देखिए पहला सवाल आपकी इकाई एक से बहुभाषिकता के क्या मायने हैं तो उत्तर देखिए भाषा सीखने की क्षमता केवल अपने परिवार गली कुचे आस पड़ोस तक सीमित नहीं है कि हम लोग केवल एक ही भाषा सीख सकते हैं हर भाषा व्यक्ति भाषा के विविध स्वरूप व अनेक भाषाएँ व उनके सीखने की विविध क्षमता रखता है वास्तव में बहुभाषिकता मनुष्य के लिए स्वाभाविक और इंसान होने की एक खास पहचान है तो इस प्रकार से आप बहुभाषिकता के मायने लिख सकते हैं फिर आपका दूसरा सवाल देखिए समझाइए भाषा सीखने की दो कौन कौन सी परिस्थितियाँ मानी जाती है तो देखिए भाषा सीखने की दो परिस्थितियाँ मानी जाती है स्वाभाविक और औपचारिक स्वाभाविक से तात्पर्य है उन परिस्थितियों से है जिसमें सामान्यतः बच्चे बिना किसी के सिखाए अपने आसपास की भाषाएँ स्वयं सीख लेते हैं स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने की प्रक्रिया में कोई माँ बाप या रिश्तेदार औपचारिक ढंग से बैठकर अपने बच्चों को भाषाएं नहीं सिखाते और ना ही उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में कोई विशेष चिंता करते हैं इस परिस्थिति में उनकी गलतियों पर हंसा नहीं जाता बल्कि प्यार से अपने साथियों के साथ साझा किया जाता है आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी बच्चे बहुत ही सहज भाव से भाषा सीख लेते हैं और औपचारिक परिस्थितियों में कक्षा आदि का माहौल रहता है शिक्षक होते हैं किताबें होती है और भाषा सीखने के कई अन्य साधन जुटाए जाते हैं जैसे कि रेडियो सीडी प्लेयर भाषा प्रयोगशाला हैरानी इस बात की है कि इतने प्रयासों के बाद भी बच्चे उस भाषा को उतनी पूर्णता से नहीं सीख पाते जितनी वे स्वाभाविक परिस्थितियों में सीख लेते हैं हाँ यह ज़रूर सच है कि यदि बच्चे बच्चों को छोटी उम्र में ही खास कर पाँच छः साल की उम्र से ही पहले ऐसे समाज में लाया जाए जहाँ उस भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होता हो होता है तो बच्चे फिर से बहुत सी सहज और सरल तरीके से दूसरी या तीसरी भाषा सीख लेते हैं तो इस प्रकार से आपके दूसरा प्रश्न हल होते हैं तीसरा प्रश्न देखिए आपका तीसरा सवाल भाषाई विविधता सामाजिक विविधता से प्रत्यक्ष रूप से घुली मिली है कैसे तो देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है खुली लिखा है यहाँ पर घुली मिली है तो देखिए उत्तर आपका सामाजिक विविधता की एक झलक हमें भाषा में भी मिलती है कई बार एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग जाति व वर्ग समूह में काफ़ी अंतर होता है इसी प्रकार भौगोलिक स्तर पर भी पंद्रह बीस किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर होता है यह सच है कि यह अंतर वाक्य संरचना के धरातल पर न्यूनतम होता है और ध्वनि संरचना के धरातल पर सबसे अधिक यह ध्वनि संरचना के आधार पर ही संभव है कि लोग अक्सर यह बता देते हैं कि आप इस गांव से हैं या उस गांव से हैं दिल्ली में कुछ लोग मज़ा कहते हैं और कुछ मज़ा का कुछ जफ़र कहते हैं और कुछ जफ़र ऐसे उच्चारणों में भेद से कई लोग तरह के निष्कर्ष निकाल लेते हैं जैसे कि यहाँ पढ़ा लिखा नहीं लगता लगता है गरीब ख़ानदान से है शायद कभी पुरानी दिल्ली की तरफ नहीं गया आदि आप स्कूल को स्कूल या सकूल बोलना आपके बारे में में बहुत कुछ बता देता है इस प्रकार भाषाई विविधता सामाजिक विविधता से प्रत्यक्ष रूप से खुली मिली है तो इस प्रकार से आप तीसरा प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए आज के चौथा सवाल देखिए भाषा में प्रवणता का आकलन किन आधारों पर करना चाहिए यह जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है आपके इकाइक से तो देखिए चौथा सवाल जहाँ तक भाषा में प्रवणता का सवाल है हम लोग प्रवणता का मूल्यांकन अधिकतर सुनना बोलना पढ़ना लिखना आदि के टुकड़ों में ही करते आए हैं जबकि हम भली भांति जानते हैं कि भाषा का प्रयोग टुकड़ों में नहीं बल्कि इन कौशलों की समग्रता में होता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं क्योंकि आपको किसी दवाई का नाम पूछना है डॉक्टर से बात करते वक्त आप सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं यानी चारों कौशलों का एक साथ प्रयोग हो रहा है इसलिए भाषा में प्रवणता का आकलन एवं मूल्यांकन इन कौशलों के समग्रता में होनी चाहिए यहाँ परिणिता के बारे में इतना ही कहना काफ़ी होगा कि हर बच्चा अपनी बोलचाल की भाषा में स्कूल में से आने से पहले ही प्रवीण होती है भाषा में यह परिणिता उसे बिना किसी प्रयास के अपने घरेलू वातावरण से हासिल हो जाती है तो इस प्रकार से हम जो है आकलन इन कौशलों के आधार पर आपको करना चाहिए तो देखिए आपका पाँचवा सवाल भाषा को परिभाषित कीजिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है भाषा को मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के बीच में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं अब देखते हैं दस बहुविकल्पी सवाल आपके बहुविकल्पी सवाल इस इकाई से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो देखिए आमतौर पर भाषा वैज्ञानिक भाषा को निम्न में से किन, किन दो का योग भर मानते हैं तो उत्तर है शब्दकोश व व व्याकरण हिंदी में संज्ञा के रूप होते हैं तीन यहाँ पर उत्तर दिया है आपका तीन हर पंद्रह बीस किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषा में अंतर अधिकतम किस स्तर पर होता है तो उत्तर है ध्वनि की स्तर पर पुत्री का प्रावचीन में से कौन सा नहीं है तो आपका उत्तर है आत्मजा नहीं है फिर भाषा सीखने के औपचारिक तरीकों में से भिन्न निम्न में से क्या शामिल नहीं है घरेलू परिवेश शामिल नहीं है ठीक है बालक शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को समर्थ बनाना ही व्याकरण का उद्देश्य यह कथन किसका है पतंजलि तो आपका उत्तर बी है ठीक है पतंजलि नहीं है इसमें उत्तर आपका बी है फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न भाषा की इकाई क्या कहलाती है तो उत्तर है वाक्य कहलाती है भाषा का मुख्य कौशल है उपयुक्त सभी लिखना पढ़ना बोलना ठीक है मातृभाषा का सिद्धांत है उपयुक्त सभी भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी ठीक है अभी इसको क्या नहीं गया इसके बारे में अभी भी वाद विवाद है लेकिन यहाँ पर माना गया है हिंदी को ठीक है तो इस प्रकार से आपने जो है आपके पहले इकाई से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हल होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इकाई के साथ मिलेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया